ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा का संडे स्पेशल महावाक्य है, बहुत ही विशेष महावाक्य है। आज प्यारे बाप दादा का संडे का महावाक्य है। आज की तारीख है 27 सितंबर 2020। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। ये रिवाइज डेट है 27 मार्च 1986 का, वाणी है बाबा का। तो आज का मुरली का सार है सदा के स्नेही बनो। मुरली का सार बाबा का सदा के स्नेही बनो, शिव बाबा कहते हैं। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आया है। यह रूहानी स्नेह हर एक बच्चे को राजयोगी बना देता है। ये सच्चा रूहानी स्नेह है जो हर एक बच्चों को राजयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है, बाबा कहते हैं। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का और पालना का आधार है। सच्चा स्नेह क्या होता बाबा, जिसको पूरा डिफाइन करेंगे। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है, श्री बाबा कहते हैं। बाबा से स्नेह होता है तब इतना दूर बेहद का यज्ञ, बेहद का बाबा का मिलन का स्थान मधुबन पहुंच जाते हैं हम सभी बच्चे। कितना भी दुख, कितना भी कष्ट हो, है ना, बाबा का स्नेह ही हम सभी बच्चों को खींच कर ले जाता है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बन जाते हो। बाबा कहते हैं, बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, बाबा कह रहे हैं। स्नेही तो सब बच्चे लेकिन अंतर क्या है, बाबा कहते हैं। नंबर वार क्यों बनते हैं स्नेही, इसका कारण क्या है। स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है, बाबा कह रहे, केवल स्नेही। कोई बच्चे सदा स्नेही है और कोई केवल स्नेही है, इसका कारण क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले बच्चे। पहला है सदा स्नेही बच्चे, दूसरा है स्नेही, और तीसरा है बाबा कहते समय प्रमाण कभी कभी स्नेह निभाने वाले बच्चे। बाप दादा ने तीन प्रकार के स्नेही बच्चों को देखे हैं। तीन प्रकार के सच्चा बाबा से स्नेह है। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, हम सभी बच्चों का जो सच्चा प्यार होता है परमपिता से, वो बाबा कहते हैं तीन प्रकार के बच्चे हैं बाबा से स्नेह प्यार करने वाले। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा उड़ते रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती उन्हें, ना मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से ही दासी बन जाती है। कितना बड़ा बाबा बात बताया है। जो भगवान में निरंतर स्नेह में समाये रहते हैं उनके आगे प्रकृति भी और माया भी दोनों दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी, बाबा कह रहे, रूप में हो जाती है। एक केवल कार्य करने से, बाबा की प्यार में सदा मगन रहने से ये दो वरदान मिलता है कि हम सदा माया जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही समय स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। माया का हिम्मत नहीं है, क्यों, क्योंकि परमात्मा बाप में ऑलमाइटी में वो सदा स्नेह में समाये रहते हैं। इसलिए तो बाबा बोले सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी भी हमारे अधीन नहीं हो सकते हैं। जो सदा बाबा के प्यार में लवलीन होते हैं वो कभी भी संकल्प से भी माया के वह अधीन नहीं हो सकते हैं। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, बाबा कहते हैं। सदा स्नेही आत्मा का ही स्थिति का ये गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, परमात्मा बाप के भी संगम पर हम सभी बच्चों का क्या है, संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह से रहती जरूर है, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहा ना कहा तरफ बाबा करे स्नेह जाता है। बाबा करे दूसरी नंबर की आत्माएं
सदा स्नेह ना होने के कारण कभी ना कभी मन का संकल्प कहीं ना कहीं तरफ स्नेह तरफ जाता है, बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े बच्चे हैं बाबा करे बहुत थोड़ा है। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है बाबा कहते हैं। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं, स्टेज में फर्क पड़ता है बाबा कह रहे हैं, पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय व संकल्प व्यर्थ नहीं हो जाता है, इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर में हो जाते हैं बाबा कहते हैं। तो कैसे बच्चों को बाबा देखते रहते वतन से, आप समझ लीजिए कि हम कौन सा नंबर में है। तीसरे नंबर के बच्चे का बाबा समाचार सुना रहे हैं, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले हैं, ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह बाप के और कोई से भी नहीं मिल सकता है, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाली है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, यही स्नेही जीवन प्रिय लगती है, यही स्नेही है ना सदा जीवन प्रिय लगती है, लेकिन कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार है ना व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार के वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। संगठन में बाबा करे शक्ति कमी होने के कारण उन वो संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है, संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त करके अपने तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी भी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, या स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता है। जो बच्चे बार बार दिल शिकस्त अपने से हो जाते हैं कि हम जो है माया को पास नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है, तो बाबा क्या कहते हैं, वो बच्चे अपने ही संस्कारों से दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर सदा स्नेही नहीं बन पाते हैं। किसी ना किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ प्रकृति की तरफ आकर्षित कर लेता है बाबा कहते हैं। किसी ना किसी भी प्रकार का बाबा कह रहे परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित, प्रकृति अपनी तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। जब परेशान हो जाते दुखी हो जाते हैं तब समझ में आता है कि ईश्वरीय परिवार, बाबा का सच्चा प्यार, बाबा का सच्चा पालना, ईश्वरीय पढ़ाई ही सच्चा स्नेह है ना। जब परेशान हो जाते हैं उसके बाद याद आता है। तो बाबा पूछते हैं आगे कह रहे हैं, तीसरा नंबर वाला जो बच्चे हैं उसका फाइल बहुत लंबा चौड़ा है, दो बच्चों का फाइल बहुत कम था है ना, वो केवल परमात्मा बाप में लवलीन रहते हैं और माया और प्रकृति जीत बन जाते हैं। दूसरे नंबर के बच्चे भी बाबा उसकी बात सुनाए, और तीसरे नंबर बच्चों का जो है वो हाल चाल बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे बच्चों की मेजोरिटी की संख्या बहुत परसेंटेज ज्यादा है। बाबा कहते हैं तीसरे नंबर के जो बच्चे परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं है ना। बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष करते हैं अभी बाप से स्नेह में समा जावे है ना, यही जीवन स्नेही है, यही जीवन प्रिय है, कहते हैं प्रयत्न करते हैं अभी अभी बाबा से स्नेह में समा जावे, तो समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। बाबा कह रहे हैं कभी युद्ध कभी याद, युद्ध माया से करते हैं, पांच विकारों से करते हैं, और कभी कभी बाबा को याद करते हैं। तो शिव बाबा समझा रहे स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं वो बच्चे। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना है। देख लीजिए बाबा का दृष्टि, ऐसे बच्चों को भी बाबा बहुत आगे रखे कि पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि परमात्मा बाप को पहचान चुकी है वो आत्मा, तो इसलिए बाबा बोले पूरे संसार से भी बाबा कहते श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा बाप को पहचाना है। बाप के बने ब्राह्मण परिवार के बने ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, इसलिए दुनिया के अंतर में वह श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है बाबा करें। सुन लिए,
संपूर्ण जो संपूर्णता हम लोग प्राप्ति जो करेंगे हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का संपूर्णता का जो बाबा कहते हैं संपूर्ण जो लक्ष्य है इस नंबर में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर वाली आत्माएं जल्दी संपूर्ण बनेंगी जो निरंतर बाबा की याद में समय रहती है। दूसरे नंबर की आत्माएं कभी कभी संस्कारों के वश है ना हो जाती है, वो आत्माएं कभी कभी टूटता है जुड़ता है और बाबा कहते हैं वैसी आत्माएं जो है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर वाली आत्माएं जो है वो हमेशा कभी ना कभी माया से हार खाती रहती है ना, बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहता है आदि आदि। और बाबा कहते हैं जो सदा स्नेह में समाये भी रहती है फर्स्ट क्लास की आत्माएं वो कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं करती, सदा उड़ती रहती वो आत्माएं। ये प्यारे बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और तीसरा नंबर की अति श्रेष्ठ ही कहेंगे क्योंकि बाप को पसाना बाप के बने ब्राह्मण जीवन के बने ऊंची आत्माएं बाबा करे संपूर्णता के आधार से तीसरा नंबर कहेंगे। तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबर वार है, नंबर वन सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप के अति प्यारी ही है। स्नेही आत्माएं न्यारी है प्यारी भी है लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। शिव बाबा क्या बता रहे हैं, बाप समान शक्तिशाली आत्मा बनना होगा और माया के हर परिस्थिति में विजयी बनना होगा। लवलीन नहीं है लेकिन स्नेही है, बाबा कहते हैं लव में भगवान के प्यार में लीन नहीं है लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे ही बाबा रहेंगे, सदा या गीत गाते रहते हैं फिर भी स्नेह है इसलिए 80% सेफ है। बाबा कह रहे हैं क्या बाबा दिए टाइटल, 80% सेफ है, सेफ रहते हैं लेकिन फिर कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता है। और तीसरे नंबर वाली आत्माएं बाबा कहते हैं तीसरे नंबर वाली आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ही ऐसा हमें बनना ही है बाबा, अभी से यह करेंगे बाबा क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना, प्रतिज्ञा भी करते हैं पुरुषार्थ भी करते हैं लेकिन कोई ना कोई विशेष पुरुषार्थ कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता है। पुराना जो संस्कार बीच बीच में मर्ज होता है लगन में मगन होने नहीं देता है, विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते हैं। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता है लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके है ना बाबा लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और आओ पावे हम, हमारी तरफ से आप करो बाबा और पावे हम, ऐसा थोड़ी होगा। बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं बाबा ये सेवा आप कर दीजिए, बाबा ये कार्य कर दीजिए, बाबा ये विबंध हटा दीजिए, बाबा ये कर दीजिए। बाबा करे करेंगे हम और पाओगे तुम, या बच्चे कहते हैं बाबा आप कर दीजिए, ऐसे थोड़ी होगा। बाबा करेंगे तो बाबा ना पाएगा, फॉर्मूला क्या जो करेगा सो पाएगा, हम करेंगे तो हम ना पाएंगे, बाबा करेंगे तो बाबा पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बच्चा करेगा वो पाएगा। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कहते बाबा ये विघ्न आप ही हटा दीजिए, बाबा ये समस्या आप ही ठीक कर दीजिए, लेकिन बाबा कहते नहीं मैं तुम्हें शक्ति दूंगा वरदान दूंगा सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना है ना, जो करेगा वो पाएगा, उसी को नंबर मिलेगा ना, वही राज्य में राजधानी में जाएगा राज्य करेगा। तो बाबा समझा रहे हैं कि लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरिहान भी बहुत मीठी करती हैं। बाबा कहते हैं हुज्जत से बहुत स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया तो आप ही जानो बाबा। बाप कहते हैं बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही, बाबा तो सब जानेगा लेकिन बाबा का बात मान रहे हैं कितना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबा समझा रहे हैं। बाबा तो जानेगा, बाबा बनाया है आपको अपना तो सब कुछ बाबा जिम्मेवार है लेकिन बाबा की बात आप कितना मानते हैं, ये सबसे मुख्य बात बाबा समझा रहे हैं। तो श्री बाबा कहते हैं कि बच्चों को कितना माने तो माने तो सही बच्चे, लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने ना माने आपको मनाना ही पड़ेगा बाबा, हम माने ना माने आपको मनाना ही पड़ेगा बाबा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं, स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा शक्ति देते हैं लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त रहने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं।
जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ वह खाए ही नहीं तो क्या करेंगे। बाबा कहते ताकत की चीज अगर दिया जाए अगर उसको आप खाए ही नहीं तो ताकत कहां से मिलेगी। तो बाबा माया से लड़ने के लिए इतनी सारी निमित्त आत्माओं को बाबा सेलेक्ट किए हैं कि उनकी पालना लो, उनकी हिम्मत पावर लो, शक्ति लो, वरदान लो, मुरली लो, है ना, संगठन की शक्ति में आओ। तो बाबा कहते हैं अगर ये पालना नहीं लेंगे तो आप शक्तिशाली कैसे बनेंगे। सब कुछ बाबा व्यवस्था करके रखे हैं ना। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में, और दूसरे से फिर हमें पुरुषार्थ करके पहले नंबर में आना है। तो बनने तो सभी बच्चों का लक्ष्य पहला नंबर बनना ना। बाबा कहते कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना भी नहीं ले सकते हैं। तीसरे प्रकार के स्नेही बच्चे हैं टाइटल, है ना, तीसरे प्रकार के स्नेही बच्चे हैं टाइटल, सभी का स्नेही बच्चे है, लेकिन टाइटल तीनों का है स्नेही बच्चे, लेकिन तीनों क्या है बाबा बता रहे हैं नंबर वार है श्री बाबा कहते हैं। तो प्यारे बाबा ये बहुत सुंदर तरीके से बाबा महावाक्य उच्चारित किए। आज जर्मनी वालों का टर्न है, हमारा इस ग्रुप नंबर वन है, नंबर वन समीप रत्न है, क्योंकि जो समान है वो समीप रहते हैं। और इस प्रकार से बाबा स्वयं को बाबा कहते शरीर से भले ही दूर हो लेकिन दिल से इतने नजदीक जो रहते हैं, दिल में स्वयं बाप के दिल से कष्ट बैठते बाबा करे दिल से दिल तख्त पर बैठते हैं, उन्होंने के दिल में स्वतः ही बाप के सिवा कोई भी नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया, दिल ले ली, दिल ली और दिल दी, दिल का ही सौदा किया ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई ना कोई प्रकार बाबा करे शरीर से तो कोई ना कोई कोई कहां रहते हैं, सभी को यहाँ रखे तो चाहा क्या बैठेंगे, बाबा करे कहाँ बैठेंगे हम मधुबन में सेवा के लिए। तो मधुबन के साथ मधुबन में बाबा करे साथ रहने वालों को भी बाबा करे भोजन बनाना भोजन भेजना पड़ेगा ना, ये बाबा करे मधुबन के साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ेगा ना, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। बाप से प्यार है, बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर बाबा पढ़ते हैं पहुंच गए सेवा के लिए, वहां भी सेवा के निमित्त बन गए। तो यह भी ड्रामा में पाठ लूंधा हुआ, अपने हमजिंस की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं जब बाप के सदा वर्षा इतना इमर्ज इतना सहज मिलता बाबा कह रहे मिल रहा है, तो सदा को छोड़कर थोड़ा सा या कभी कभी क्यों लेवे, दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी बन करके विजयी का नगाड़ा सारे विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ बाबा कह रहे हैं। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त या नशे में चूर हैं, या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने से नहीं जगते हैं, वो नशे में चूर होता है बाबा करे, नशे में जो चूर होता है उसको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वालों को भी हिला करके उठाना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है, जिन्होंने पढ़ाई से प्रीत है बाबा कह रहे हैं जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत वह सदा शक्तिशाली, पढ़ाई जो निरंतर करेंगे वह आत्मा को बाबा क्या वरदान देंगे शक्तिशाली आत्मा। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर बाबा से भी प्रीत नहीं हो सकता, इसलिए नम सबसे पहले प्रीत किससे करना होगा मुरली से, मुरली किसी भी हालत में बाबा कहते कभी भी नहीं छोड़ना है, शिव बाबा वही समझा दिए। तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे बाबा कह रहे हैं मुरलीधर से प्रीत, कितना भी कोई कहे कि बाप से हमें बहुत प्यार है लेकिन पढ़ाई से नहीं, बाप कभी भी मानते नहीं है, जहां लगन होती है वहां कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं, उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे से ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं, उड़ती कला वाले बच्चे पहाड़ के भी बाबा करे पत्थर समान होता है, पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं हो सकता है, प्रीत मुश्किल को भी सहज कर देती है, एक मुरली से प्यार पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। तीन चीज बाबा बता, मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार, परिवार से प्यार, ये किला बन जाता मजबूती का, किले में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। बाबा की पढ़ाई अगर नहीं पढ़ेंगे ब्राह्मण परिवार में नहीं रहेंगे तो बाबा बोल दिए है ना, कभी भी मजबूत नहीं होंगे, माया कभी भी गिरा सकती है। तो बाबा बोले वो जो बच्चे ये सब पढ़ाई करते हैं रेगुलर ईश्वरीय परिवार में रहते हैं तो वो सदा किले में सेफ रहते हैं। इस ग्रुप को या दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है, पढ़ाई और परिवार, परिवार के प्यार के कारण एक दो के प्रभाव से समीप बना देते हैं और फिर भी निमित्त आत्मा
पुष्पाल की, पुष्पाल दादी जी थी, प्यार वाली है, स्नेह भाषा को भी नहीं देखता है। स्नेह की भाषा सभी आत्माओं, सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। सभी उनकी याद कर रहे हैं, सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व के आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में भी पूज्य आत्मा नहीं बन सकती है। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है बाबा करे संगम युग में। जितना हम पुण्य करेंगे उतना बड़ा बाबा कह रहे हम पूज्य आत्मा बन सकेंगे। ये प्यारे बाबा का हम सभी बच्चे, हम सभी बच्चों को बाबा शिक्षा दे रहे हैं। आगे जो है बाबा बता रहे थे, ये अव्यक्त मुरलियों से चुना हुआ महावाक्य है जो बहुत ही विशेष है। इसमें माया से हार खाने का और सबसे बड़ी बात बाबा बताए संतुष्टता के ऊपर में बाबा सुना रहे हैं। पहला प्रश्न है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है। ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण व खजाना कौन सा है। उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है, संतुष्टता सबसे प्रिय है बाबा कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है बाबा कहते हैं। जहां संतुष्टता है वहां पर खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा का बच्चा बनना, ब्राह्मण बनना अर्थात सदा हर प्रकार से संतुष्ट रहना, ये बाबा बोल दिए। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा वरदान क्या है, संतुष्टता। दूसरा प्रश्न है संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होगी। जो बच्चे संतुष्ट मणि बन गए होंगे अपने जीवन में पुरुषार्थ करके तो उनकी विशेषता क्या होगी। उत्तर है संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से, बाबा कहते किसी भी कारण से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। क्या बाबा बताएं, संतुष्ट मणि आत्मा कभी भी किसी भी कारण से, किसी भी आत्माओं से, किसी संस्कारों से, किसी भी वायुमंडल से असंतुष्ट नहीं हो सकती है। जो भी वायुमंडल है, जो भी व्यक्ति, जो भी आत्माएं है, जो भी सिचुएशन है, सब में बाबा कहते हो संतुष्ट रहेंगी। वे कभी भी ऐसे नहीं कहेंगी हम तो संतुष्ट रहते हैं लेकिन दूसरे हमें असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को कभी भी नहीं छोड़ सकती, बाबा कह रहे हैं। अगला प्रश्न, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी क्या क्या निशानी होगी। जो बच्चे सदा संतुष्ट रहेंगे उनकी क्या क्या निशानी होगी। उत्तर है जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण परिवार का सच्चा स्नेही बना देता है। जो आत्मे सदा संतुष्ट रहती है ब्राह्मण परिवार का सदा स्नेही बना देता है, बाबा कहते हैं बना देता है। दूसरा पॉइंट है संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर कार्य, हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता, बाबा कह रहे हैं उन्हें कहना भी नहीं पड़ता और सोचना भी नहीं, क्योंकि संतुष्ट मणि आत्मा को स्वतः ही बाबा चांसलर बना देते हैं। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, वह कभी किसी के स्वभाव संस्कारों के टक्कर से घबराने वाली नहीं होती है। किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराएंगे नहीं, उनसे कभी का, बाबा करे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हरेक की दिल होगी इनसे बात करे, इनके साथ बैठे, क्यों, बाबा करे संतुष्टता के गुण के कारण। संतुष्ट मणि जो आत्माएं होंगी उनसे कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं उनके अंदर में स्वतः ही वो खिंचाव रहेगा, बाबा कह रहे हैं। तो छठा पॉइंट है संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहती हैं। इसलिए संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है, सदा आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं। माया को दूर से ही पहचान करके
भगा देते हैं, बाबा कहते हैं। अगला प्रश्न है माया पर, तो आदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार माया धोखा दे देती, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, पहचान कम होने के कारण या सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। पहचान कम होने के कारण सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते कोई समय नहीं चलते हैं, कोई समय याद करते कोई समय नहीं करते हैं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे कोई समय नहीं रहेंगे, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते हैं, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया से धोखा खाने का पहला मुख्य कारण क्या बाबा बताएं? सदा श्रीमत के अंदर वो आत्माएं नहीं रहती हैं, जिसके कारण धोखा खा लेती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है, माया में है, माया देखती कि कहीं कमजोर बन रहा है, जहां कमजोरी देखती वहीं से माया अपना बना लेती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। कोई भी मन का कमजोर कोना रहेगा, कोई भी मन का कमजोर संकल्प रहेगा, उसी संकल्पों से माया प्रवेश कर जाती है, बाबा कह रहे हैं। माया जीत बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, सदा माया के साथ, बाबा कहते हैं माया जीत बनने का सहज साधन क्या? सदा बाप के साथ रहना है, बाप के साथ रहना है, साथ रहना अर्थात सदा स्वतः मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना, फिर एकक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से तुम बच्चे छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप बन जाएंगे, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। जितना बाबा के संग में रहेंगे माया का रंग खत्म हो जाएगा और बाप का संग का रंग स्वतः लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़कर सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो, बीज को छोड़कर काटने की मेहनत शाखाओं को ना करो। आप आज कामजीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी विघ्न, बाबा कह रहे सदा विजयी, सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश नहीं निकल सकता है। बाबा के साथ ऐसे रहो, बाबा कहते हैं जैसे ऐसे रहो जो माया का सारा संस्कार भस्म हो जाए, अंश से बाबा करे कभी भी बीज से अंश नहीं निकल सकता है। ऐसे बाबा के साथ बीज रूप स्टेज में रहो, माया का सारा विघ्नों को सारा प्रकोप को जला देना, भस्म से बाबा करे भस्म कर देना है। वरदान प्यारे बाबा दे रहे हैं, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भवो। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भवो। विस्तार बाबा समझा रहे हैं, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। बाबा क्या समझाएं? कभी भी ये नहीं कहना किसी भी ब्राह्मण आत्मा को तुम कमजोर हो, ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले बोल कभी भी नहीं निकलना चाहिए। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो उसे इशारा दे देना है, कोई कितना भी कमजोर हो उसे इशारा दो, इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले उसे समर्थ बना करके फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, धरनी पर पहले क्या चलाना? हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज बाबा करे हर फल, तो बाबा कहते हैं सहज ही हर बीज का फल निकलेगा, इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी, बाबा कह रहे हैं। कितना बड़ा बाबा सदगुरु के रूप में वरदान हम सभी बच्चों को बाबा दिए हैं, इसको पूरा पूरा अटेंशन रखना है कि अभी हम सभी बच्चों को पूरा बीज, बाबा कहते हैं हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, और बीज कौन सा डालना है? बाबा कहते हैं फिर बीज डालो, बीज मतलब फिर कोई भी शिक्षा देना, कोई भी समझ देना है, फिर आप बीज डालो समझ का। फिर बाबा कहते हैं जो बीज हम डालेंगे अच्छा फल निकलेगा, इससे विश्व कल्याण की सेवा में तीव्रता आ जाएगी। तो ऐसे हर एक ब्राह्मण आत्माओं में बाबा कहते हैं उमंग उत्साह खुशी देना है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। सदा बाबा की दुआएं लेते रहना है, भरपूरता का सदा अनुभव करते रहना है। ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा का आज का संडे का महावाक्य बहुत विशेष था।
तो आज प्यारे बाप दादा का महावाक्य बहुत ही सुंदर, बाबा को शुक्रिया करना है। ओम शांति।